कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज अभी मैं सोचा था अभी थोड़ा नहाते हैं। आज बहुत ही गिल्टी फील हो रहा मुझे, और सोचा था कि चलेंगे कि आज वैसे कहीं जाते हैं बाहर। तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता अभी, कि वैसे तो कोविड चल रहा है। मम्मी भी मना कर रही मुझसे कि कहीं बाहर मत जा। देखो गाइस, देखते हैं अभी क्या होता है। और चलो फिर अभी आपसे नहा के मिलता हूँ अभी। और नहाया भी नहीं है अभी, अभी उठा हूँ। कल रात एडिटिंग करी, एडिटिंग करने के बाद 12 बजे 12-1 बजे मैं सोया थोड़ी देर। फिर मैंने वीडियो अपलोड करी। वीडियो आ गई होगी तो प्लीज़ देखना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। तो अभी नहा के मिलता हूँ फिर आप लोगों से। भाई नहा के आ चुका, और अभी मतलब फ़िलहाल मैं सोचा था आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँ। यार देखो, सब लोग को देखता हूँ मैं, जिनके कमेंट आते हैं मुझे अच्छे लगते हैं। या कोई कोई लोग ऐसे हैं, वीडियो देखते हैं, आधी देखते हैं, पूरी नहीं देखते, छोड़ देते हैं। क्या है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? मतलब भाई के साथ ऐसा व्यवहार करो, ऐसा भेदभाव? यार प्लीज़ गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप पूरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो इतना भर देना ना, सब्सक्राइब से बेल आइकन इतना कर दो, शेयर तो पूरा कर ही दो। लास्ट का सीन ये था, अभी मैं सोचा था बाहर जाएंगे घूमने, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। मना, यार कोरोना चल रहा है तो कहाँ जाएगा बाहर को? मैंने कहा ये भी सही है, तो बाहर नहीं जा रहे आजकल हम लोग। अब मम्मी ने मना कर दिया। मैं भी शाम शाम को वॉकिंग के लिए मैं सोचा था जाएंगे घूमने, लेकिन वॉक में भी ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। अब मैंने सोचा था उस दिन जो मैंने वीडियो डाली थी जंगल वाली, उसमें भी थोड़े बहुत केसेस वहाँ पे निकल लेते, तो मैंने यार सेफ्टी अपने घर आ जाओ चुपचाप, अब नहीं जाते हैं वहाँ, तो मैं घर आ गया चुपचाप। तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी तो मैं नहीं गया वहाँ पे। तो मतलब आधा मतलब 1 घंटे के लिए मैं गया था अपने दोस्त के साथ, ज़रा उसका आर्मी का था, तब मैं चले गया, तब मैं जो चले गया था वहाँ पे। तो ऐसा सीन है गाइस कि कुछ फैमिलीज मेरी ये है कि अभी मुझसे मना कर रही है कि बाहर मत जा, अभी कोरोना ऐसे चल रहा है, और कहीं अभी जा मत, घर में व्लॉग्स बना, घर में बातें शेयर कर ले अपने फ्रेंड्स से। हाँ ये भी सही है। तो गाइस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अभी देखो फिलहाल आज मैं सोचा था कि कुछ ड्राइंग करेंगे आज, अभी सुबह सुबह अभी मेरा थोड़ा मूड भी सही हो रखा है, और यार अभी फ्रेश हो रखा, तो अभी मेरे दिमाग कुछ भी नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, पिंसी ने नहा लिया, ये देखो, ये अब इसका नहाने के बाद देखो पोछना कैसे पोछती है अपना, ये देखो, ये पिंसी पिंसी नहीं, पिंसी नहाने के बाद देखो कैसे कर लेती है। मैंने चेन से पकड़ा हुआ है, और देखो कैसे कर रही है। मुंह देखो, मुंह मुंह देखो, मुंह, बस गुड। अरे सूखेंगे बाल, बदबू आएगी। वैसे तो प्रिंसी से जब कहो नहाने के लिए तब तो कभी नहीं नहाएगी। अब देखो आज भैया ने कहा इससे कि नहा ले, अभी फिलहाल नहा धो के बस बैठ गई। बाप रे, इतना इतना झेलना पड़ता है ना इसको, इतना झेलना पड़ता है कि नहाने के लिए तो इसका मतलब सुबह से शाम तक का इसके लिए भैया नहीं आती है। और जब पानी हम लोग लेके आते हैं तो बिल्कुल भाग जाती है, दूर हो जाती है नहाने के लिए। अभी ऐसा है सीन, अभी ये नहा के बस लेटी हुई है। मैं सोचा था मैं भी थोड़ा थक गया था, फिर मैंने यार ड्राइंग भी करनी है, होता अभी ड्राइंग करते हैं। अभी थोड़ा माइंड में भी मेरे अभी कुछ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ हो रही है। देखो अभी कुछ स्टेटस लिखते हैं या फिर कुछ आर्ट्स का कुछ करते हैं अभी, और आपको दिखाता हूँ मोटी कहाँ लेटी है। अभी दिखा, मेरा कुत्ता यहाँ लेटा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। अभी बस इसका काम ही क्या है, बस सोना ही सोना है, दिन भर दिन सोना ही सोना। अब लेट गई है, अब मोटी आपको लाइट चला के दिखाता हूँ। आप ये बैठी, ये है, ये बस सोना ही सोना है, जब कहो तो सोना। ये देखो फिर से, क्या होगा इन इन कुत्ते का, क्या होगा ऐसे कुत्तों का, ऐसे कुत्तों का होगा क्या? बस सोना ही सोना है, दिन ब दिन सोना ही सोना। बना तो लिया है, और बहुत ज़्यादा आज गर्मी भी बहुत है। अभी मैं बाहर निकला तो माय गॉड बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश हो जाती तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन अभी फ़िलहाल
घर में है, घर के अंदर है। मैं सोचा कुछ ड्राइंग बना लूँ, लेकिन ड्राइंग बनाने का मूड भी नहीं हो रहा है, तो मैंने स्टेटस बना दिया। फिलहाल कुछ मम्मी कह रही कि चल अब थोड़ी देर खाना खाने आ जा, मैंने कहा खाना खाने चलता हूँ, फिर शाम को मिलते हैं। गाइस मोटी तो सो रही है अभी, फिर शाम को इवनिंग वॉक होगी, चलते हैं फिर शाम को इवनिंग वॉक। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम, अपनी अपनी गली के पास घूमेंगे, तो आपको भी लेके चलूँगा। चलिए फिर शाम को मिलते हैं। अभी उठा हूँ सुबह, और एक तो अब बहुत गर्मी हो रही, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और अभी इस बाहर बैठा अभी तो मम्मी कह रही कि थोड़ा अंदर का काम कर ले, अभी अंदर का काम करते हैं फिर आपको बाहर लेके चलता हूँ। चलते हैं फिर बाहर, एक तो गर्मी भी बहुत हो रही है, तो बाहर चलते हैं फिर, ठीक है? थोड़ी देर वीडियो एंड करने का टाइम भी हो रहा है, फिर चलो फिर बाहर चलते हैं थोड़ी देर, फिर बात करते हैं। फिर आप देख सकते हैं मेरे भाई ने और मैंने, मतलब बहुत मेहनत लगा के यहाँ पे हम लोगों ने अपना किचन गार्डन बनाया है। और किचन गार्डन में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ तो हो रहा है वो बैगन हो रहे हैं, उस साइड हो रहे हैं बीन्स कहते हैं ना, बीन्स वो हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं बेल, ये है वैसे तो कहते हैं कद्दू की बेल कहते हैं, अब यार इतना तो इतना नहीं मालूम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बट वो तो हो रही है। और यहाँ हो रहा है फूल, ये हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी फूल हो रहे हैं, ये हो रहा है बैगन, इसमें फूल आ चुका है, और अभी अंदर अंदर है, वहाँ तो नीचे नीचे है, वहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन अंदर अंदर लो लूँ। विदाउट नंबर प्लेट, बट आगे की नंबर प्लेट नहीं है, पीछे की नंबर प्लेट है इसमें। या गाइस अभी इसकी भी सर्विस करानी है, बहुत चला ली इसको भी, सर्विस इसकी भी करानी है। और एक वो खड़ी है मेरी, आप देख सकते हैं एक वो। मैं आप लोग को बताना मांग रहा था, जो मेरी स्कूटी है यामा रिजेडा BS4 मॉडल है इसका, गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत मतलब मैं इसको 3-4 बार मैं नैनीताल लेके गया हूँ, गाड़ी बहुत स्मूथली चलती है। एंड इसमें मुझे ये अच्छा लगता है कि आप इसमें कॉम्बी ब्रेक, इसको एक ऊबड़ खाबड़ में भी चलाओगे तो आपके कोई कोई ब्रेक्स ऐसे होते हैं कि लगते नहीं है, इस गाड़ी में आप ऊबड़ खाबड़ में भी चलाओगे तो एकदम से ही लग जाएंगे। अब तो नया जनरेशन आ गया, अब तो BS6 मॉडल आ चुके, वो डिजिटल मीटर एंड आपको डिस्क में भी मिल जाएंगे। तो अभी मेरे फ्रेंड हाल ही में ले रखी है यामाहा रिजेटा BS6 मॉडल, बहुत अच्छी गाड़ी है, उसकी भी वीडियो मैं डालूंगा, अब आप लोग देखना ज़रूर। लेकिन गाड़ी बहुत A1 है, आप लोग देखना, मुझे तो लगभग वो गाड़ी मतलब एक मामले में बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसमें यह है कि डिजिटल मीटर है एंड आपका एनालॉग सिस्टम भी है उसमें, बहुत बढ़िया गाड़ी है। और अगर आप मान के चलिए कहीं ट्रैफिक में हो, तो आजकल तो सभी में आ रहा है, ज़्यादातर ट्रैफिक में हो तो ट्रैफिक में गाड़ी अपने आप बंद हो जा रही है। एंड इसमें यह है कि अगर आप साइड स्टैंड में हैं तो आपकी गाड़ी किसी किसी, जैसे मेरी BS4 मॉडल में अगर मैं साइड स्टैंड में स्टार्ट कर रहा हूँ तो साइड स्टैंड में स्टार्ट हो जाती है, उस वाली में ऐसा सीन है कि BS6 में आप साइड स्टैंड में हो तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी, उसमें बहुत अच्छा दे रखा है। लेकिन गाइस सीन यह है कि मेरी गाड़ी में भी होना चाहिए, BS4 मॉडल में भी क्यों नहीं है, होना चाहिए। तो
चलिए कोई नहीं फिर, आप गाड़ी तो गाड़ी आ गई हमारी भी। मैंने दिक्कत ये करी कि लेने से पहले मुझे सोचना था कि मैं वाली गाड़ी ले लेता है, अब वो नहीं ली तो अब मैंने ये ले ली। उस समय नया मॉडल भी यही आया था BS4 में भी, तो कोई नहीं फिर गाइस इसको भी ले लिया। अब जो भी चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। अभी मैं कुछ वीडियोस थोड़ा रुक के डाल रहा हूँ क्योंकि नेट के बहुत इशू हो रहे हैं यहाँ पे भी, एंड सिग्नल के थोड़े बहुत इश्यूज हो रहे हैं। तो गाइस थोड़ा तो प्लीज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आप लोगों से कल। बने रहिए हर्ष सिंह के साथ, एंड देखना ज़रूरी है पूरी वीडियो, देखिए लाइक और शेयर कर देना अच्छी लगी तो। चलो मिलते हैं आपसे कल, ओके बाय।